सीताराम। हाँ सीताराम माता। हम भक्ति तो करते हैं गुरुजी, लेकिन भक्ति के जो भाव होता है और उसके दिल में भरम रख के कुछ हम भक्ति इस तरह से करते हैं। हमने एक जब मैं वीडियो देख रही थी तो मैंने स्वामी जी के प्रवचन सुन रही थी, तो उन्होंने हम लोगों को सलाह दिया था, बतलाया था, जैसे हम लोग तुलसी माता के बहुत महत्व देते हैं ना, तो हम लोग जब तुलसी की पूजा मोस्टली जैसे हम लोग शुक्रवार होता है और रविवार होता है उस समय हम हमेशा करते हैं ना, वो हमारा खास दिन होता है। लेकिन हमने सुना प्रवचन में कि स्वामी जी कह रहे थे कि तुलसी के पूजन हम कर सकते हैं लेकिन तुलसी पर रविवार को जल नहीं चढ़ाया जाता है ना, तो इस पर भी आप कुछ कहा दें जिससे कि हमारे दिल के संशय मिट जाए। और दूसरा प्रश्न मेरी यह है कि हम लोग जैसे पति जी तो हमेशा काम पर नौकरी पर हमेशा जाते हैं, और जैसे हम महिलाएं हैं तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मंदिर में सफाई साफ सुथरा करती हैं, मूर्ति धुलाती हैं और पूजा हर एक मूर्ति जो जिसका हम पूजन करते हैं ना, लेकिन खास है जो हमारे बालाजी हैं हनुमान स्वामी बाबा जी के मूर्ति, क्या हम महिलाएं हैं हम सफाई करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और हम उनकी पूजते हैं ना, तो हम सिंदूर भी डाल देते हैं, उनके टीका लगाते हैं, वही तो हमारी भक्ति है गुरु जी ना, तो क्या हम अपने बालाजी को स्नान महिलाएं बालाजी के स्नान कर सकते हैं या नहीं, या मेरा दूसरा प्रश्न। बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाकर धन्यवाद दो। कहां से आई माता? और अरे तीसरा मेरा ओ मैं सुबह नकासी से आई हूँ गुरुजी, बहुत दूर से हमसे ज्यादा दूर से आई नकासी नानमाल से। और एक मेरा पर्सनल प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, कुछ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बहुत प्यारे हैं गुरुजी, हमारे फिजी के वासियों के दिल में आप बहुत बस गए हैं, बहुत दुलारे हैं गुरुजी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और या निवेदन करती हूँ गुरुजी कि आप जल्द से जल्द हमारे फिजी देश पे हमारे जो पागलों के ठठरी निकालने तब आओगे। धन्यवाद धन्यवाद सभी को। अरे जय हो मैया, ठठरी तो हम दुश्मनों की निकालते हैं, पागलों की ना तुम निकलवा दो माता, भाव में तुमको जाने काका बोले गए। जय हो भगवती माता। पर प्रश्न बहुत सुंदर थे, ताली बजाकर धन्यवाद दो माता को। पहला प्रश्न था क्या रविवार को तुलसी माता पर जल चढ़ा सकते हैं? जी हाँ, रविवार को जल चढ़ा सकते हैं, कर्म कांड पद्धति के अनुसार रविवार को तुलसा नहीं तोड़ना चाहिए, उसको एक दिन पूर्व में ही तोड़ करके तुलसी दल उतार रख कर रख लेना चाहिए, पर जल तो चढ़ा सकते हैं, प्राकृतिक स्थिति के कारण भी, भौगोलिक स्थिति के कारण भी, और जल चढ़ाने से कोई पाप नहीं लगता है। दूसरा प्रश्न, पुरुष घर पर नहीं रहते, पूजा पाठ हम ही करते हैं, तो क्या हम हनुमान जी को जल चढ़ा सकते हैं? भाई रूप में, पिता रूप में, अगर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं है और उस मूर्ति में सिंदूर नहीं लगा है तो उस मूर्ति को स्त्रियां भाई रूप में, पिता रूप में जल चढ़ा सकती हैं अगर कोई नहीं है तो। लेकिन सिंदूर लगी हुई मूर्ति को केवल पुरुष, जो पुरुष हैं जिनकी जो वैदिक पद्धति के लिए हमारे आचार्यों ने परंपरा बताई है वही लोग सेवा कर सकते हैं। सिंदूर लगी हुई मूर्ति में कृपा करके स्त्रियों को बचना चाहिए, पर अगर ऐसी परिस्थिति है कि मान लो कोई नहीं है घर में, अब कोई नहीं है तो स्वयं ही माता बन करके हनुमान जी को लला रूप में स्नान करा देना चाहिए। भ्राता रूप में और लला रूप में हनुमान जी की सेवा की जा सकती है, इसमें कोई पाप नहीं, और माताएं तो हनुमान चालीसा भी पढ़ सकती हैं, कोई पाप नहीं, जो यह पढ़े चाहे पुरुष हो या स्त्री कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ सकता,
और प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को छोड़कर के कोई भी माताजी बहन जी भाई के रूप में हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, कोई पाप नहीं लगता है, उल्टे हनुमान जी प्रसन्न होंगे। पर भाव शुद्ध होना चाहिए। बोलो जय बजरंगबली। और तीसरा, फिर से माताजी ठठरी बारने हम आएंगे, अभी तो जा रहे हैं हम, अब फिजी आते रहेंगे, आप हमको बुलाते रहिएगा, हम कथा सुनाने और दरबार लगाने आते रहेंगे। फिजी हमारा घर है, हिंदू हमारी आत्मा है, हिंदुस्तान हमारा प्राण है और हिंदुत्व हमारा खून है, इसलिए हम फिजी आते रहेंगे। चलो माइक और बांटो।